प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए मेरे हिंदी लेक्चर सबसे पहले देखने के लिए, और यह फ्री है। हेलो बच्चों, मैं मंजू कुमारी आज आप लोगों को क्लास 10 क्षितिज भाग 2 का पाठ बाल गोविंद भगत पढ़ाने जा रही हूँ, और इसके लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी जी हैं। इस पाठ को हम आप लोगों के सुविधा के लिए दो पार्ट में बनाए हैं। यह पहला पार्ट है और इसका हम क्वेश्चन आंसर भी बनाए हैं, तो सेकंड पार्ट देखने के लिए और क्वेश्चन आंसर देखने के लिए आप इस वीडियो के स्क्रीन पर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करके, या आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको पार्ट टू का और क्वेश्चन आंसर का लिंक मिल जाएगा, और इस वीडियो के क्वालिटी को भी आप बढ़ा घटा सकते हैं, या आप ऊपर आई बटन के बगल वाले 3 डॉट वाले बटन पर क्लिक करके आप इस वीडियो के क्वालिटी को घटा बढ़ा सकते हैं अपने समय के अनुसार। अभी मैं आप लोगों को पार्ट 1 पढ़ाने जा रही हूँ। रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनी गांव में सन 1899 में हुआ। अब जो है रामवृक्ष बेनीपुरी जो बाल गोविंद भगत जो है बाल गोविंद भगत के बारे में जो पाठ में लिखे हैं, तो बाल गोविंद भगत के बारे में आप लोगों को मैं कुछ बताने जा रही हूँ। तो रामवृक्ष बेनीपुरी जी का जो जन्म है बिहार के मुजफ्फरपुर जिला के बेनी गाँव में सन 1899 में हुआ। माता पिता का निधन बचपन में ही हो जाने के कारण जीवन के आरंभिक वर्ष अभावों, कठिनाइयों और संघर्षों में बीते। 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे सन 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय रूप से जुड़ गए। कई बार जेल भी गए। उनका देहावसान सन 1968 में हो गया। अब जो है इनका कुछ मासिक साप्ताहिक पत्र पत्रिकाओं का भी संपादन किए हैं, जिसमें तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा उल्लेखनीय हैं। गद्य की विविध विधाओं में उनके लेखन को व्यापक प्रतिष्ठा मिली है। उनका पूरा साहित्य बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है। उनकी रचना यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव हैं। पतितों के देश में उपन्यास है, चिता के फूल कहानी उनका है, अम्बपाली नाटक है, माटी की मूर्तें रेखाचित्र, पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृतांत, जंजीरें और दीवारें संस्मरण आदि। इनकी रचनाओं में स्वाधीनता की चेतना, मनुष्यता की चिंता और इतिहास की युगानुरूप व्याख्या है। विशिष्ट शैलीकार होने के कारण उन्हें कलम का जादूगर कहा जाता है। अब जो है बाल गोविंद भगत के बारे में जो है लेखक यहाँ कुछ उनका रेखाचित्र उपस्थित किए हैं, तो इसमें बताया गया है कि बाल गोविंद भगत रेखाचित्र के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। अब इसमें लेखक बता रहे हैं कि बाल गोविंद भगत एक ऐसे चरित्र थे जिनके अंदर मानवीय गुण भरा हुआ था, और जो एक हमारे देश की जो संस्कृति है, संस्कृति के तहत जिस तरह से आदमी को चलना चाहिए, कैसा रहना चाहिए, उनका क्या टाइम टेबल होना चाहिए, यह सारा जो है बाल गोविंद भगत में दिखाई दे रहा था। वेशभूषा या बाह्य अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं होता। अब लेखक बोल रहे हैं कि कोई अगर बाहरी वेशभूषा, मान लीजिए कोई गेरुआ वस्त्र पहन लेता है, या सब ही पहनने से कोई जो है सन्यासी नहीं हो जाता है। सन्यास का आधार जो होता है जीवन के मानवीय सरोकार से है, मतलब लोगों के साथ किस तरह से उनका व्यवहार रहता है, समाज में किस तरह सबके साथ दुख दर्द में शामिल होते हैं, यह सब जो है मानवीय गुण होता है। तो जिस आदमी के पास मानवीय गुण हो वही सन्यासी हो सकता है। बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। अब बोल रहे हैं कि यह जितना भी गुण मानवीय गुण होना चाहिए मनुष्य के अंदर, एक दूसरे का सुख दुख में साथ देना, लोगों के साथ व्यवहार करना,
यह सब जो भी मानवीय गुण है यह सारा गुण बाल गोविंद भगत में था, इसीलिए लेखक को एक सन्यासी मालूम पड़ रहे हैं बाल गोविंद भगत। यह पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार करता है। इस पाठ में रूढ़िवादी प्रथा पर, जो परंपरा से रूढ़िवादी परंपरा चलाया है, उस पर भी प्रहार किया गया है, मतलब उसका विरोध किया गया है। इस रेखा चित्र की एक विशेषता यह है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी देखने को मिलती है। अब लेखक कह रहे हैं कि इस रेखा चित्र की विशेषता यह है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से गांव का जीवन कैसा होता है और गांव के जीवन की इसमें झांकी प्रस्तुत की गई है कि गांव, जैसे गांव में खेती होता है, बारिश होती है, लोग कैसे बच्चे खेलते हैं और वहां पर किसान लोग खेती करते हैं, यह सारा दृश्य जो है इसमें उपस्थित हुआ है। अब आगे हम लोग आप लोगों को बाल गोविंद भगत पढ़ाने जा रहे हैं। बाल गोविंद भगत जो है, बाल गोविंद भगत मांझले कद के गोरे चिट्ठे आदमी थे। अब लेखक बोल रहे हैं कि बाल गोविंद जो है मीडियम हाइट के, मंझोले कद मतलब जो ज्यादा न लंबे थे और न ज्यादा छोटे थे, मीडियम कद के थे और एक गोरे चिट्ठे आदमी थे, 60 के ऊपर के ही होंगे। अब उनका उम्र जो है 60 वर्ष लगभग होगा। बाल पक गए थे, लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, जैसे कि एक साधु सन्यासी अक्सर लंबी दाढ़ी रखते हैं, जटा बढ़ाए रहते हैं, जटा मतलब बाल लंबे लंबे रखते हैं, यह सब जो है बाल गोविंद में नहीं था। किंतु हमेशा उनका चेहरा सफेद बालों से जगमगा किए रहता, मतलब उनका जो बाल है हमेशा पूरा बाल सफेद हो गया था और उनके चेहरे के ऊपर जो है बहुत ही उस बाल से चमक आ रहा था, मतलब चमकता हुआ नजर आता था। कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे, कमर में एक लंगोटी मात्र रहता था और सिर में कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी। अब जो है यहाँ पर बाल गोविंद भगत का रेखा चित्र उपस्थित किया गया है कि वो कैसे पहनावा पहनते थे, कैसे रहते थे। तो मतलब बाल गोविंद भगत जो है सिर्फ एक लंगोटी पहनते थे और एक कबीर दास जी जैसे कनफटी एक टोपी पहनते थे, उसी तरह ही, क्योंकि कबीरदास जी के ही भक्त थे, कबीरदास जी को बाल गोविंद भगत अपना गुरु मानते थे और जिस तरह गुरु का आचरण था उसी तरह जो है उसी में बाल गोविंद भगत ढल गए थे। तो वैसा ही टोपी पहनते थे, जब जारा आता था तो एक सिर्फ काली कमली ऊपर से ओढ़ लेते थे, मस्तक पर हमेशा रामनंदी चंदन रहता था जो नाक के छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता था, मतलब एक रामानंदी चंदन होता है जो कि अक्सर पूजा पाठ में देखते होंगे, एक व्हाइट कलर का जैसे लोग टीका लगाते हैं। तो बाल गोविंद भगत भी नाक के छोर से जहाँ औरतें बिंदी लगाती है वहां तक जो है रामानंदी चंदन लगाते थे और गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला रहती थी। तुलसी जो होता है प्लांट, उसका छोटा छोटा उसके जड़ को टुकड़ा टुकड़ा करके जो साधु सन्यासी लोग होते हैं उसका माला पहनते हैं, मतलब उस माला को पहनने से जो है कभी वो झूठ नहीं बोलते हैं, सत्य का हमेशा आचरण करते हैं, उनका माला देखकर ही लोग प्रभावित हो जाता है और माला वही पहनते हैं जो अपने जीवन को ईश्वर के चरणारविंद में अर्पित कर लेते हैं। तो ये जो है बाल गोविंद भगत जी भी वही जो है तुलसी की जड़ों की माला भी पहनते थे। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। अब लेखक यहाँ बोल रहे हैं कि ऊपर जितना भी चीज आप लोगों को बताया गया है कि कम कपड़ा पहनना, एक काली टोपी, एक काली कम्बल ओढ़ लेते थे, कनफटी टोपी पहनते थे, यह सब देख करके ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि बाल गोविंद भगत साधु थे, नहीं बिल्कुल गृहस्थ। अब लेखक बोल रहे हैं कि वो गृहस्थ थे, उनकी गृहिणी की तो लेखक को याद नहीं, उनके बेटे और पतोहू को मैंने लेखक ने देखा था। बोल रहे हैं लेखक कि उनकी पत्नी को तो हम नहीं देखे थे, लेकिन उनके बेटे और बहू को हम
हम देखे थे, थोड़ी खेती बाड़ी भी थी और एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था, किंतु खेती बाड़ी करते भी बाल गोविंद भगत साधु थे, साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले थे। अब लेखक यहाँ बोल रहे हैं कि खेती बाड़ी भी करते थे और परिवार भी रखते थे बाल गोविंद भगत, लेकिन साधु का जो भी परिभाषा होता है, परिभाषा परिभाषित हम कैसे कर सकते हैं, जैसे साधु के अंदर जो है सुबह से रात तक का टाइम टेबल क्या है, कैसे उठते हैं, सबके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सुबह नहाना धोना होता है, स्नान ध्यान भजन करते हैं, तो एक यह साधु का लक्षण होता है, सत्संग सुनाना, सबको भजन सुनाना, यह सब जो है एक साधु का लक्षण होता है, इस रूप में हम परिभाषित कर सकते हैं एक साधु को। तो यह सारा गुण जो है बाल गोविंद भगत में था, इसीलिए लेखक यहाँ कह रहे हैं कि बाल गोविंद भगत साधु थे, साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले थे। कबीर को साहब मानते थे, साहब का मतलब गुरु, ईश्वर, कबीर को, कबीर दास जी उनके गुरु थे, गुरु को ईश्वर का रूप माना जाता है, उन्हीं के गीतों को गाते रहते थे, उन्हीं के आदेशों पर चलते थे। आदेश का मतलब है कबीर दास जी जो कविता लिखे हैं, पद लिखे हैं, और जो दोहे शाखियां शब्द लिखे हैं, उसमें जो जीवन के गूढ़ रहस्यों का उसमें वर्णन किए हैं कि जीवन को किस तरह से जीना चाहिए, मनुष्य को इस पृथ्वी पर जो आया है मनुष्य उसको किस तरह से रहना चाहिए, परिवार में कैसे रहना चाहिए, समाज में कैसे रहना चाहिए, समाज के लिए क्या करना चाहिए, क्या जो है झूठा आडंबर है, क्या सच्चा है, क्या झूठा है, वह सब जो है जब उनके कविता को आप लोग पढ़ेंगे और उनकी साखियों के गहराई में जाएंगे तो जीवन का उसमें सारा रहस्य लिखा हुआ है। जब कोई साधक उनकी वाणी को पढ़ते हैं, उनके पद को पढ़ते हैं और अपने जीवन में ढालते हैं तो उनका जीवन जो है सफल हो जाता है, जीवन जीने का एक राह मिलता है। इसीलिए जो है कबीर दास जी का दोहा पढ़ना, कविता और उनका जो भी बुक है वह सारा पढ़ना चाहिए, ताकि जीवन जीने का एक जो है उसमें पूरा रहस्य उसमें लिखा मिल जाता है, आदमी को एक जीवन जीने के लिए एक सहारा मिल जाता है। तो जो है बाल गोविंद भगत जो है कबीर दास जी के गीतों को ही गाते थे और उनके आदेशों पर चलते थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे और खरा व्यवहार रखते थे, मतलब कभी भी वो झूठ नहीं बोलते थे और सबसे अच्छा व्यवहार रखते थे, किसी से भी दो टूक सीधी सीधी बात करने में संकोच नहीं करते थे, मतलब कोई भी बात अगर कहना है किसी को तो उस बात को सीधे सीधे ढंग से कह डालते थे, छिपाव भी नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं कि किसी के जीवन को अंधकार में डाले, अगर कोई गलत कर रहा है, अगर कोई समाज में किस तरह से रह रहा है, कैसे रहना चाहिए, तो उस आदमी को समझा देते थे कि नहीं, ये जो तुम राह चल रहे हो यह गलत है, यह सच्चा राह यह है, इसी को कहा जाता है सीधी सीधी बात करने में कोई भी संकोच नहीं रखते थे, क्योंकि कोई भी साधु संन्यासी जो होते हैं वह एक माता पिता के जैसे होते हैं, गुरु के जैसे होते हैं, वह चाहते हैं, साधु संन्यासी यह चाहते हैं कि कोई भी मनुष्य जो है अंधकार में नहीं रहे, जिस तरह वह अपने जीवन को प्रकाशित कर लिए होते हैं उसी तरह चाहते हैं कि संसार के जो भी व्यक्ति हैं उसको हम एक नई राह दें, उसको दिशा दें, ताकि जीवन जीने का उसको एक लक्ष्य, उसको एक राह मिल जाए। तो बोलते हैं कि कभी भी वो किसी से सीधी सीधी बात करने में संकोच नहीं करते थे और न किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते थे, मतलब किसी से बिना मतलब का पंगा नहीं लेते थे, झगड़ा नहीं करते थे, मतलब सबसे मिलजुल करके रहते थे, किसी की चीज नहीं छूते थे और न बिना पूछे व्यवहार में लाते थे, मतलब कोई भी चीज किसी का बिना पूछे नहीं लेते थे, चाहे उनको कोई भी परिस्थिति आ जाए वो उस बिना पूछे किसी का कोई भी सामान जो है वह उपयोग में नहीं लाते थे। इस नियम को कभी कभी इतनी बारी की तक ले जाते कि लोगों को कौतूहल होता था। अब बोल रहे हैं कि वो अपने जीवन को इस तरह से जीते थे बारीकी ढंग से
इतना उनके जीवन में सच्चाई का झलक मिलता था, अगर वो सांस भी ले रहे हैं तो ऐसा लगता था कि ईश्वर का नाम रूपी सांस ले रहे हैं। एक एक पल अगर वो चलते थे, एक एक पग चलते थे, संभल के चलते थे, एक एक काम करते थे, एक एक बात अगर बोलते थे तो सोच समझ करके बोलते थे कि आदमी जो है सामने वाले के ऊपर एक अचूक सा प्रभाव पड़ जाता था। उनके व्यवहार से, उनकी वाणी से ऐसा लगता था कि कबीरदास जी के शिष्य नहीं, स्वयं ये कबीरदास जी हैं। कहने का मतलब यह है कि असली शिष्य वही होते हैं जो अपने गुरु का नाम ऊंचा करते हैं। जिस तरह गुरु का पूरे जीवन जो है उनका चरित्र रहता है, वैसा ही जो सच्चे शिष्य होते हैं अपने गुरु के अनुसार, उसी गुरु के का जैसा चरित्र है उसी में अपने चरित्र को ढाल लेते हैं। यह सब सारा गुण देखने के बाद लेखक को ऐसा लगता था कि सबको कौतूहल होता था कि इतने मतलब बारीकी ढंग से वो चलते थे। कभी वह दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते थे। पहले क्या होता था कि शौचालय नहीं होता था, लैट्रिन बाथरूम वगैरह नहीं होता था, तो लोग जो है शौच के लिए, लैट्रिन के लिए जो है दूसरे के खेत में जाते थे। दूर दूर तक खेत रहता था, तो कभी ऐसा भी आदमी, बहुत सारे आदमी ऐसे भी होते थे जो अपने खेत को गंदा नहीं करना चाहते थे और दूसरे के खेत में जा करके शौच कर लेते थे, लैट्रिन चले जाते थे और अपने खेत को गंदा नहीं करते थे। यह तो बुरी बात है अगर किसी के खेत में अगर हम टॉयलेट को जाते हैं तो। एक तरह से यह हम मन से, कर्म से, वचन से कहा गया है कि कभी भी मनुष्य को कोई भी कदम जो उठाते हैं उसमें गलत नहीं करना चाहिए। तो यही दिखाया गया है इस पाठ में कि एक शौच करने के लिए भी जब बाल गोविंद भगत जाते थे तो वो अपने खेत में ही जाते थे, इतने मतलब बारीकी ढंग से वो चलते थे। वह गृहस्थ थे लेकिन उनकी सब चीज साहेब की थी। गृहस्थ थे, उनका परिवार था, उनके बहू थे, बहू थी और उनके बेटे भी थे। एक गृहस्थ परिवार में रहते हुए भी है जो चीज जो था वो सबको अपने साहेब की चीज मानते थे। साहेब मतलब यह जो भी कुछ खाते थे जब उनके खेत से अनाज आता था तो बाल गोविंद भगत बोलते थे यह साहेब का है, मेरा कुछ नहीं है। कहने का मतलब उनका यह था कि जितना भी हमको इस पृथ्वी पर जो भी सुख सुविधा मिल रहा है वह मेरा नहीं है, यह ईश्वर का है, और गुरु को ईश्वर समझते थे। इसलिए बोलते हैं उनकी सब चीज साहेब की थी, मतलब कबीरदास जी की थी। जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लाद कर पहले उसे साहेब के दरबार में ले जाते थे। कोई भी खेत में जो पैदावार होता था, धान, गेहूं, ज्वार, मक्का, बाजरा, जो भी फसल उनको खेत से आता था तो वो क्या करते थे, सिर पर लाद करके साहेब के दरबार, वहाँ पर एक कबीर पंथी जो भी एक मठ बना हुआ था वहाँ पर एक बड़ा सा आश्रम था जिसमें जितने भी कबीरदास जी के शिष्य वगैरह रहते थे वहाँ पर आश्रम में भोजन बनता था, वहाँ पर सब साधना करते थे, सुमिरन करते थे, ध्यान भजन करते थे। तो जितने भी कबीरदास जी के भी शिष्य लोग थे तो वहाँ जा कर के मठ में जो है साधना ध्यान भजन करते थे। तो बाल गोविंद भगत क्या करते थे, वहाँ से चार कोस दूर पर था कबीरदास जी का मठ, वहाँ खेत से जो भी अनाज आता था अपने सर पे उठा के, क्योंकि उस टाइम में यातायात का भी कोई साधन नहीं था, वहाँ पर कोई गाड़ी भी नहीं चलती थी उस टाइम में, इसलिए चार कोस दूर ढो करके उसको ले जाते थे वहाँ। और एक कबीरपंथी मठ से मतलब वह दरबार में भेंट रूप में रख लिया जाकर प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता था उसे घर ले आते थे और उसी से गुजर चलाते थे। और उस धान, गेहूं, ज्वार, मक्का, बाजरा जो भी है वो सर पे ढो करके ले जाते थे मठ में, और वहाँ पर जो प्रसाद के रूप में उनको पूरा साल चलाने के लिए जो भी मिलता था उसी से पूरे साल बाल गोविंद भगत जो है गुजारा चलाते थे। कोई भी बाहरी कहीं से भी नहीं लेना देना। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था, अब लेखक बोल रहे हैं यह सब जो भी उनका व्यवहार था वह तो मैं बहुत ही उनसे प्रभावित था, उनके मधुर गान पर जो सदा सर्वदा ही सुनने को। लेकिन लेखक बोल रहे हैं कि उससे भी ज्यादा हम उनके जो गायन था, मधुर भजन कीर्तन करते थे,
मीठा भजन गाते थे, उस पर जो है लेखक उनके गाने पर मुग्ध थे। उससे भी ज्यादा कबीर के हुए सीधे सादे पद कविता जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते थे। कबीरदास जी के सीधे साधे जो पद है, कविता है, उसे वो इस तरह से गाते थे, इस तरह से भाव विभोर होकर के बाल गोविंद भगत गाते थे कि वहाँ जितने भी लोग थे सब भाव विभोर हो जाते थे। ऐसा लगता था कि स्वयं ईश्वर कृष्ण आकर के यहाँ बांसुरी बजा रहे हैं, गाना गा रहे हैं। सब लोग जो है मंत्रमुग्ध हो जाते थे। आसार की रिमझिम है। अब लेखक यहाँ बोल रहे हैं कि आसार, जैसे कि इंग्लिश का कैलेंडर होता है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, उसी तरह यहाँ हिंदी का भी एक कैलेंडर होता है जिसमें उसी को हिंदी में भी आसार, ज्येष्ठ आसार, भादो, आश्विन, कार्तिक आदि नाम से नामकरण किया गया है। तो अब बोल रहे हैं कि आसार की रिमझिम है, मतलब आसार में जो बहुत ज्यादा बारिश होती है, समूचा गांव खेत में उतर पड़ा है। अब आसार में क्या होता है, खेत में जो है किसान लोग धान का पौधा लगाते हैं, प्लांट लगाते हैं, तो उसके लिए क्या होता है, बारिश होना बहुत जरूरी होता है। तो अक्सर जो है किसान लोग आसार में बारिश की प्रतीक्षा करते रहते हैं कि कब बारिश आए, ताकि खेत में धान का फसल पैदावार के लिए लोग उतर पड़ेंगे। तो आषाढ़ की रिमझिम है, उसमें बारिश हो रही है और समूचा गांव के लोग जो हैं, किसान मजदूर जो भी हैं, खेती करने के लिए जो है खेत में उतर पड़े हैं। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है, मतलब धान रोपे जा रहे हैं, प्लांट को, धान का बहुत सारा प्लांट एक जगह पहले इकट्ठा कर लिया जाता है और उसको एक एक करके जो है लाइन बाय लाइन उसको रोपा जाता है। धान के पानी भरे खेत में बच्चे उछल रहे हैं। अब जो है जिस धान से चावल बनता है, उस धान जहाँ पे रोपनी का काम चल रहा है, वहाँ पर माता पिता के साथ बच्चे लोग भी गए हैं वहाँ, और बच्चे लोग भी उसमें मौज मस्ती कर रहे हैं, खेल कूद रहे हैं। औरतें कलेवा लेकर मेर पर बैठी है, और औरतें जो घर की होती है उनके पति लोग पहले निकल जाते हैं खेती के लिए, और औरतें जो हैं घर में कलेवा मतलब खाना बनाती हैं, नाश्ता, रोटी, चावल, दाल वगैरह जो भी बनता है उसको कलेवा बोलते हैं। तो औरतें क्या की है, अपने परिवार के लिए, बच्चे के लिए, पति के लिए कलेवा लेकर के घर से आकर के मेर पे बैठी हुई है। मेर होता है जैसे बहुत सारे वहाँ खेत होते हैं, जैसे एक खेत अपने हैं, दूसरा कोई दूसरे का होता है, फिर आगे कोई तीसरे का होता है, इसी तरह अलग अलग आदमी का अलग अलग खेत होता है। उसमें बीच से रास्ता जाने के लिए एक मेड़ ऊंचा रास्ता बना दिया जाता है, ताकि वहाँ बैठ करके लोग अपना खेत का भी देखभाल कर लेते हैं, वहाँ पे बैठ के नाश्ता पानी भी कर लेते हैं, और खेत में का देखभाल भी हो जाता है। तो मेड़ पे औरतें वहाँ बैठी हुई हैं। आसमान बादल से घिरा हुआ है। अब आसमान में आषाढ़ का महीना है, तो आसमान बादल से बारिश हो रही है और चारों तरफ बादल छाया हुआ है, धूप का नाम नहीं है, ठंडी पुरवाई चल रही है, मतलब पूरब दिशा से ठंडी ठंडी हवा बह रही है। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठी। अब बोल रहे लेखक कि ऐसा समय में रिमझिम बारिश हो रही है, खेत में हल चल रहे हैं, किसान मजदूर लोग खेती कर रहे हैं, धान का रोपनी चल रहा है, औरतें मेर पे बैठी हुई हैं, बच्चे उछल कूद रहे हैं, और पूरा वातावरण ऐसा लग रहा था, बहुत ही मधुर वातावरण था, और उसमें एक ऐसा स्वर जो है झंकृत कर रहा था, तरंग झंकार सी कर उठी। अब वह तरंग किसका था, अब लेखक बोल रहे हैं कि यह कौन है यह पूछना ना पड़ेगा। अब लेखक समझ गए हैं कि यह जो स्वर है बाल गोविंद भगत का ही हो सकता है, क्योंकि बाल गोविंद भगत जो हैं हमेशा एक मधुर संगीत गाया करते थे और आदमी सब मंत्र मुग्ध हो जाते थे, बच्चे बड़े जो जहाँ सुनते थे झूमने लगते थे उनका स्वर, और सब में ऐसा लगता था कि शक्ति भर गया है, सबके शरीर के अंदर एक जोश उमंग सा छा जाता था, और जो अनमने से भी रहते थे, जिसको कुछ काम भी करने का मन नहीं होता था, उसके अंदर भी उनके गाना को सुन करके नया उमंग भर जाता था, वो भी
उछलने कूदने लगते थे। तो लेखक बोल रहे हैं कि ऐसे ही समय में आपके कानों में स्वर तरंग झंकार सीकर उठी, मतलब गाने का जो है संगीत वहां पर सुनाई दिया। यह क्या है? अब लेखक बोल रहे हैं यह क्या है, यह कौन है, यह पूछना ना पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ से लिथरे अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। अब बाल गोविंद भगत जो है उनका भी खेत वहां पर है और सब लोग किसान लोग जो रोपनी कर रहे हैं, तो बाल गोविंद भगत भी अपने खेत में धान रोपने के लिए, प्लांट लगाने के लिए पहुंच गए हैं और उनका शरीर जो है वहाँ बारिश हो रही है और बारिश से क्या होता है खेत में कीचड़ हो जाते हैं और बाल गोविंद भगत का जो है पूरा शरीर कीचड़ से लिपटा हुआ है, अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। उनकी उंगली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है और ऐसा गाना गाते हुए भजन करते हुए भाव विभोर होकर के धान को जो है एक 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 पौधे को पंक्तिबद्ध रूप में गाते जा रहे हैं और उस धान के प्लांट को लगाते जा रहे हैं, पौधे को मिट्टी में रोपते जा रहे हैं। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर, अब उनका एक एक जो शब्द निकलता था ऐसा लगता था कि स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी बाय सीढ़ी पर चढ़कर कुछ को ऊपर ऐसा लगता था कि स्वर्ग की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। अब उनका स्वर ऐसा लगता था, बाल गोविंद भगत का स्वर जो धरती और आकाश लगता था दोनों एक हो गया है, ऊपर स्वर्ग नीचे आकाश वहां तक उनका स्वर लगता था गूंज रहा है। ऐसा लगता था कि ऊपर स्वर्ग स्वर्ग की ओर कुछ आवाजें जा रही है और कुछ जो है धरती पर आवाजें बिखेर रहे हैं और सारे जितने वहाँ पे बच्चे बूढ़े जवान किसान मजदूर जो भी थे उनके गायन को सुन करके सब मंत्रमुग्ध हो जाते थे। सब में एक अजीब सा ऐसा लगता था कि शक्ति आ गया है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं और बच्चे जो हैं वो भी सुन करके झूमने लगे। मेर पर खड़ी औरतों के ओठ कांप उठते हैं और जो मेर पे खड़ी थी कलेबा लेकर के जो औरतें आई थी उनके भी ओठ कांपने लगे। कहने का मतलब कि औरतें भी गुनगुनाने लगी हैं उनका गाना के साथ साथ, औरतें भी बाल गोविंद भगत के साथ साथ गाने लगती हैं, गुनगुनाने लगती हैं। हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं और जो हल जोत रहे होते हैं उनमें भी एक नई सी उमंग आ जाती है, उनका भी पैर ताल उठने लगते हैं। रोपनी करने वालों की उंगलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती है और जितने भी किसान मजदूर लोग प्लांट लगा रहे होते हैं ऐसा लगता था कि सब में एक अजीब सा शक्ति आ गया है और सब में एक नया उमंग नया शक्ति मिल रहा है ऐसा लग रहा था और अजीब सा सब में ताकत का महसूस हो रहा था। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू? अब लेखक बोल रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा है कि बाल गोविंद भगत जो गायन कर रहे हैं संगीत गा रहे हैं उसमें कितना जादू है। ऐसा जादू है कि जैसे ही बाल गोविंद भगत गाना शुरू किए हैं तो पूरा प्रकृति जो है प्रकृति में जितने भी वहाँ पे खेत में मजदूर किसान बच्चे सब में एक अजीब सा उमंग छा जाता है, इसीलिए लेखक बोलते हैं कि यह संगीत है या जादू। अब आगे लेखक बोल रहे हैं अब भादो की अंधेरी अदरतिया। अब लेखक बोल रहे हैं कि यह तो कार्तिक की आषाढ़ की बात बताए, अब भादो की बात बता रहे हैं कि भादो की आधी रात में अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई थी। अब भादो में जैसा कि आप लोगों को बताए थे कि यह हिंदी के कैलेंडर में आप लोग देख सकते हैं कि भादो को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आश्विन को क्या बोलते हैं, तो भादो में क्या होता है बहुत ज़्यादा जो है बारिश होती है। तो भादो की अंधेरी अदरतिया मतलब आधी रात में अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई थी। बादलों की गरज मतलब थंडरिंग, बिजली की तरफ लाइटिंग चमक, आपने कुछ नहीं सुना हो किंतु अब झिल्ली की झंकार, अब झिल्ली बोलते हैं झिंगुर जिसको हम लोग कॉकरोच बोलते हैं, तो उस भादो की आधी रात में क्या होता है जब बारिश होने लगती है तो
तो झिंगूर जो है, कॉकरोच जिसको झिल्ली बोलते हैं, वह भी आवाज से गाने लगती हैं, शोरगुल मचने लगता है और पानी में जो है मेढक टर 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 की आवाज करने लगते हैं। लेकिन बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। अब उतना ज्यादा जो है प्रकृति में मेघ, जब बारिश हो रही है तो मेढक टर टर कर रहे हैं, झिंगुर की आवाज आ रही है, कॉकरोच जोर जोर से आवाज कर रही है, गाना का एक संगीत का माहौल प्रकृति में हो ही रहा है, लेकिन उसमें बाल गोविंद भगत का जो संगीत है वह ऐसा है कि मतलब इन सबसे आगे बढ़ कर के है। ऐसा संगीत है कि उसमें जो भी मेढक टर्टर कर रहे हैं और झिल्ली बोल रहे हैं वह कोई भी आवाज नहीं सुनाई दे रहा है, इसमें सिर्फ बाल गोविंद भगत का संगीत सुनाई दे रहा है। अब क्या हो रहा है, अब जो है उनकी खंजरी खंजरी डिमक डिमक बज रही है। अब खंजरी क्या होता है, जैसे एक तबला टाइप का, हम लोग जैसे भजन गायन गाना गाते हैं तो एक तबला टाइप का तबला बजाते हैं या ढोल मृदंग जैसा होता है, तो एक बाल गोविंद भगत एक खंजरी रखे रहते थे जो कि गोल जो है ढपली टाइप की होती है, तो उसको गाने के टाइम में बजाया जाता है। तो उनकी खंजरी ढिमक ढिमक बज रही है और वे गा रहे हैं। अब बाल गोविंद भगत जी क्या गा रहे हैं, गोदी में पीवा चमक उठे सखिया चिहुक उठे ना। कहने का मतलब कि गोदी में पिया से मतलब है कि आत्मा में ही यानी शरीर में ही ईश्वर है, और लोग इधर उधर घबराते ही ईश्वर को जो है बाहर ढूंढ रहे हैं, बाहर खोज रहे हैं। इस पंक्ति में कहने का मतलब यही है कि गोदी में पिया वा मतलब आत्मा में ही परमात्मा है। चमक उठे सखिया, और जो सखी हैं वह चमक उठती है कि कहाँ है मेरे पिया ईश्वर, चिहक उठे ना। हाँ पिया तो गोद में ही है किंतु वह समझती है वह अकेली है, चमक उठती है, चीख उठती है। अब जो है यह स्वर जो है बाल गोविंद भगत गा रहे हैं, उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेर में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसी किसे न चौंका देता। अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि यह जो संगीत गा रहे हैं बाल गोविंद भगत, तो आधी रात को जो है सब लोग जग जाते हैं उनका संगीत सुन करके, जो है सोए हुए मानव भी सब जग गए हैं। बिजली की तरह किसे न चौंका देता, जिस तरह कोई बिजली की आवाज होने पे आदमी चौंक जाते हैं, उसी तरह बाल गोविंद भगत का जब यह गायन शुरू होता है तो आधी रात में भी सब लोग उनके गायन को सुनने के लिए जग जाते हैं। अरे अब सारा संसार निशब्दता में सोया है और बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है। अब लेखक बोल रहे हैं कि सारा संसार जो है आधी रात के समय सोया हुआ है और बाल गोविंद भगत के अंदर मतलब कौन सा ऐसा असीम शक्ति उनके अंदर, क्या मतलब बाल गोविंद भगत जो है संसार में रहते हुए भी जो है अपना जीवन को ईश्वर के चरणारविंद में अर्पित कर देते हैं, रात और दिन जो है बस ईश्वर के लिए ही गाते रहते हैं। जाग रहा है तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। अब जो है बाल गोविंद भगत बोल रहे हैं कि तेरी गठरी में लागा चोर, यह गायन बोल रहे हैं मुसाफिर जाग जरा, मतलब ए मुसाफिर ए मनुष्य तुम जो अभी सो रहे हो, तेरा गठरी मतलब कह रहे हैं कि तुम्हारा जो असली संपत्ति है यानी तुम्हारा जो प्रभु के प्रति जो एक प्रेम का जो खजाना है उसको कोई चुरा ले जा रहा है, और उठ जाओ और ईश्वर से तुम साक्षात करो। यही कहने का मतलब है तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा, मतलब तुम्हारा जो यह जो है प्रेम रूपी खजाना उसको कोई चुरा करके ले न जाए, इसलिए तुम जग जाओ ए मुसाफिर। मनुष्य को बोलते हैं कि तुम मुसाफिर हो, क्योंकि यहाँ जो भी मनुष्य आए हैं वह यहाँ अपना
कर्म करने के लिए आए हैं, एक ही उनका लक्ष्य है, ईश्वर की प्राप्ति। और जो साधु संत होते हैं वह मनुष्य को जगाते हैं, हमेशा सोए हुए मानव के हृदय को झकझोरते रहते हैं कि इस तरह से अगर तुम सोए रहोगे तो गठरी छोड़ लेकर के चली जाएगी, मतलब तुम्हारी मौत आ जाएगी, फिर तुम पछताओगे कि इस संसार में रह करके हमने ईश्वर का दीदार नहीं कर पाया, ईश्वर क्या है, ईश्वर का साक्षात्कार हम नहीं कर पाए। इसलिए ए मुसाफिर, क्योंकि मुसाफिर को एक न एक दिन, जिस तरह कोई मुसाफिर कहीं जाता है सफर में, फिर वह लौट करके सफर से अपने घर आ जाता है, उसी तरह इस संसार में जो मनुष्य आए हैं सफर करने के लिए आए हैं। यह जो सारा संसार है उसमें हम लोग जो भी देख रहे हैं, यह सब एक मोह है, माया है, यह सब छलावा है। जो ईश्वर के भक्त होते हैं, जो ऋषि मुनि ज्ञानी होते हैं, इस छलावा में नहीं पड़ते हैं, क्योंकि सांस का कोई ठिकाना नहीं कि कब यह शरीर छोड़ करके निकल जाए। इसीलिए जीते जी मनुष्य को ईश्वर की प्राप्ति करना चाहिए। और ईश्वर की प्राप्ति कैसे हो सकता है, जिस तरह बाल गोविंद भगत के गुरु जो हैं कबीरदास जी हैं, बाल गोविंद भगत कबीरदास जी को अपना गुरु बनाए हैं, इसीलिए इसी तरह जो है मनुष्य को सदगुरु धारण करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि सतगुरु जिसको प्राप्ति हो जाती है उसे ईश्वर का साक्षात्कार हो जाता है। सतगुरु अपनी चाभी के द्वारा जो है त्रिनेत्र, जो हमारे इंगला पिंगला और बीच में जो सुषुम्ना एक नाड़ी होती है त्रिनेत्र, यहाँ पे एक त्रिनेत्र होता है, उस त्रिनेत्र को सतगुरु, जो असली सतगुरु होते हैं, वो अपने चाभी के द्वारा उस त्रिनेत्र को खोल देते हैं और मनुष्य जो है ईश्वर से साक्षात्कार कर लेते हैं। तो यहाँ पर इस पाठ से हम लोगों को यही समझ में आता है कि बाल गोविंद भगत संसार में रहते हुए भी, गृहस्थ रहते हुए भी किस तरह का जीवन यापन करते थे। आज के मनुष्य ऐसा है कि अगर संसार में कुछ भी मिलता है तो और चाहने पाने का चाह रहता है, कितना भी मिल जाए उसके अंदर जो है चाह कभी खत्म नहीं होता है। कभी एक घर बना लिया, फिर उसको मन होता है कि और हम दूसरे जगह चले जाए और बड़ा मकान बना लें और बैंक बैलेंस कर लें, देश में विदेश में जो है हम सारा संपत्ति यहाँ अरज लें। लेकिन जो असली संपत्ति है ईश्वर का संपत्ति, वह कोई बिरला ही यहाँ प्राप्त करके जाता है, जैसा कि बाल गोविंद भगत का चरित्र देखने पर आगे भी पढ़ेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि उनका चरित्र कैसा था। तो कोई भी जब लेखक होते हैं तो अपनी लेखनी के माध्यम से मनुष्य को जगाने का कोशिश करते हैं कि ये मनुष्य जागो, सो मत, इस तरह सोए रहने से जो है संसार में सोए रह जाओगे और सब जो असली संपत्ति है तुम्हारा वह तुम्हारा लूट जाएगा। गीता पढ़ सकते हैं, यहाँ वेद, उपनिषद, गीता, महाभारत, रामायण अगर बारीकी से अध्ययन करेंगे तो पता चलेगा कि जीवन जीने का असली रहस्य क्या है और सच्चा जीवन किस तरह से जिया जाए। संसार में रहते हुए भी जिस तरह महात्मा बुद्ध आए, विवेकानंद स्वामी आए, रामकृष्ण परमहंस जी आए, गांधी जी आए, विनोबा जी आए, उन लोगों ने भी यहाँ पे गृहस्थ रहते हुए भी कर्म किए और किस तरह से संसार से, उसमें से कुछ गृहस्थ भी थे, कुछ जो है ब्रह्मचर्य भी थे, और उन लोगों ने अपने कर्म के द्वारा इस धरती पर किस तरह से क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं, देश के लोगों को एक राह दिखाए हैं, वही सच्चा राह जो है बाल गोविंद भगत पाठ से हमें मिलता है। आशा है आप लोग समझ गए होंगे। अब जो है हम पार्ट टू जो बाल गोविंद भगत का है वह आप लोगों को पढ़ाएंगे। इसके लिए आप जो है आई बटन पे क्लिक करके आप पार्ट टू और क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं। आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और यह वीडियो अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब के बगल में बेल बटन है उसको क्लिक कीजिएगा और फ्रेंड फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको कोई सुझाव या परामर्श देना हो, सलाह देना हो और कोई भी किसी तरह का भी अगर आपको ऐसा लगे कि परेशानी नज़र आ रहा है
तो नीचे दिए गए मेरे वीडियो के नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में जा कर के आप वहाँ कमेंट्स जरूर लिखिएगा। इससे हमको प्रोत्साहन मिलता है। आगे हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।